हाय एवरीवन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में कोलोइड्स के बारे में देखे थे। और कोलोइड्स या कोई कोलोइडल सिस्टम जो है दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। इस डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पे कोलाइडल सिस्टम को अलग अलग क्लास में हम लोग कैटेगराइज किए थे, जिसमें सोल, जेल, एरोसोल, फोम, ऐसे करके कई टाइप के कोलाइडल सिस्टम हो रहे थे। तो वह जो क्लासिफिकेशन था वह था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट के आधार पे। आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कोलाइडल सिस्टम का, लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल्स, ये जो क्लासिफिकेशन है ये है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरैक्शन के आधार पे। देखो, ये जो लायो वर्ड है इसका मतलब होता है लिक्विड और ये फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज हैज ग्रेट एफिनिटी, डिस्पर्स्ड फेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के प्रति डिस्पर्स्ड फेज का बहुत ज़्यादा लगाव। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे वे डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से मिल जाएंगे, उसमें डिजॉल्व कर जाएंगे या उसके साथ कंबाइन कर जाएंगे। सो लायोफिलिक सोल्स आर दोज कोलाइडल सिस्टम्स इन विच द डिस्पर्स फेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गम, गोंद वगैरह जो होता है, जिलेटिन, अल्बुमिन या कोई प्रोटीन्स वगैरह, ये सभी लायोफिलिक सोल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारे वैसे कोलोइडल सिस्टम हैं जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम के साथ आसानी से जो है कंबाइन कर जाता है या उसके साथ मिल जाता है। जबकि हम लोग लायोफोबिक की यदि बात करें तो यहां भी वही चीज होने वाला है, लायो का मतलब लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है हेचिंग। इसका मतलब हुआ कि उस प्रकार का कोलोइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज हैज वेरी लिटिल एफिनिटी और नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। मतलब अंतर केवल है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच के इंटरैक्शन का। यदि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच बहुत अच्छा इंटरैक्शन है, मतलब वे आसानी से आपस में मिल जा रहे हैं, तो वैसे कोलोइडल सिस्टम को हम लोग लायोफिलिक सोल बोलेंगे। और यदि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अच्छा एफिनिटी नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में नहीं कंबाइन कर रहे हैं, मिलने के बाद साफ साफ पता चल जा रहा है कि डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो ऐसे कोलोइडल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक सोल। तो यह जो क्लासिफिकेशन है लायोफिलिक और लायोफोबिक या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरैक्शन के आधार पे है कि किस प्रकार का इंटरैक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच। एग्जाम्पल तो इसका देख लिया, और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर आर्सेनिक सल्फाइड,
अपने मेटल और नॉन मेटल का जो कोलाइडल सिस्टम होता है कम्बिनेशन, वे सभी जनरली लायोफोबिक होते हैं, मतलब इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बढ़िया से आपस में कंबाइन नहीं कर पाते हैं, देखने से दोनों में जो है डिफरेंस नज़र आ जाता है। तो यह तो हुआ सिंपल सा डिफिनेशन, लेकिन हम पहले ही बताएं कि इस चैप्टर में डिफिनेशन कम डिफरेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस ही है। यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरैक्शन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो डेफिनेशन तो देख लिए, इसको थोड़ा सा समझ लिए, अब डिफरेंस के आधार पे हम लोग जो है ना और अच्छे से समझेंगे दोनों टॉपिक को, लायोफिलिक और लायोफोबिक को। तो डिफरेंस के आधार पे यदि देखें हम लोग, सबसे पहला तो डेफिनेशन ही लिख दें कि जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम ये दोनों के बीच अच्छा कम्बिनेशन होगा, एक दूसरे से अच्छे से कंबाइन कर जाएंगे, जबकि इसमें वैसा कुछ है नहीं। जो डिस्पर्स फेज है डीपी डिस्पर्स फेज समझोगे, और जो डिस्पर्सन मीडियम है ये दोनों आपस में अच्छे से कंबाइन नहीं कर पाते हैं, बहुत लिटिल एफिनिटी होता है, थोड़ा बहुत मिलेगा, यूनिफॉर्मली जो है कंबाइन नहीं करते हैं दोनों। अब चूंकि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स आसानी से कंबाइन कर जाते हैं, तो ऐसे सोल को बनाना काफ़ी आसान होता है, ईजिली प्रिपेयर्ड आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के सोल को आसानी से बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बनाए जाते हैं प्रीपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। कुछ स्पेशल मेथड्स क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो लायोफोबिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए ऐसे सोल को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये आसानी से सिंपली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिला करके थोड़ा सा उसको शेक कर दोगे, हिला दोगे, तो लायोफिलिक सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लायोफिलिक सोल के, ये ट्रू मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एक डिस्क्रीट सिंगल पार्टिकल, जबकि इसमें जो होते हैं वे एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, एसोसिएटेड पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी की यदि बात करें तो लायोफिलिक सोल के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। हालांकि पार्टिकल्स तो इसके भी नहीं दिखते हैं, लेकिन डिटेक्ट किया जा सकता है, पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड। अभी विजिबिलिटी और डिटेक्शन में क्या अंतर है, तो देखो विजिबिलिटी मतलब ऐसा ही हम लोग को खुली आंखों से दिख जाएगा, ऐसा हुआ तो बोलेंगे वह विजिबल है, दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें हाथ से कुछ कर रहे हैं हम लोग, हाथ डुबा करके देख रहे हैं तो दाना दाना टाइप का कुछ टच कर रहा है, पता चल रहा है कि इसमें कुछ है, तो उसको बोलते हैं डिटेक्ट करना। तो ऐसे हाथ डुबा करके डिटेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेशल टेक्निक होते हैं, किसी रिएजेंट से उसको कंबाइन वगैरह करवाया जाता है ऐसे। तो लायोफोबिक सोल के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, विजिबिलिटी तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, और इसके पार्टिकल्स को विजिबल नहीं बनाया जा सकता है या विजिबल नहीं होते हैं, और साथ ही साथ डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है लायोफिलिक सोल के पार्टिकल्स को। स्टेबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक सोल्स में चूंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच एक अच्छा इंटरैक्शन है, इसलिए इस प्रकार के सोल काफ़ी अस्टेबल होते हैं, जबकि लायोफोबिक सोल अनस्टेबल होते हैं। अस्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, अस्टेबल मतलब इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हमेशा आपस में मिले रहेंगे, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे आसानी से, लेकिन इसमें है कि ये दोनों आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे बताए कि दूध जो है उसमें पानी और फैट दोनों है, लेकिन जब दूध ओरिजिनल फॉर्म में है तो क्या पानी और फैट अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं। लेकिन वही जब हम लोग सिलिका जेल वगैरह बनाते हैं, बालू में जो है पानी वगैरह है तो उसमें बालू वहाँ से हटाओगे तो पानी साफ अलग दिखेगा ऐसा, तो उसमें वैसा अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए तो अनस्टेबल होते हैं लायोफोबिक सोल, जबकि लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, अस्टेबल।
टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, लायोफिलिक सोल के पार्टिकल शो नहीं करेंगे। क्या है टिंडल इफेक्ट, जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, वैसे एक लाइन में यदि समझना चाहो तो टिंडल इफेक्ट का मतलब समझोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, कि कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा यदि लाइट का स्कैटरिंग हो, मतलब कोलोइडल पार्टिकल इस पर लाइट पड़े और लाइट पड़ने से छितरा जाए इधर उधर, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यह जो फेनोमेनन है वह लायोफोबिक सोल के पार्टिकल्स के द्वारा शो किया जाता है, जबकि लायोफिलिक सोल के पार्टिकल्स के द्वारा या कभी एग्जिबिट या शो नहीं किया जाता है। उसके बाद प्रिसिपिटेशन की बात करें तो लायोफिलिक सोल में यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड बेस या सॉल्ट वगैरह, तो इसका प्रिसिपिटेशन नहीं होता है, नो प्रिसिपिटेशन, मैंने पीपीटी नहीं बनता है। प्रिसिपिटेट मतलब पार्टिकल का बैठ जाना, जबकि इसमें है कि लायोफोबिक सोल है और इसमें तुम कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मैंने केटायन एनायन वाला कोई सिस्टम मिला देते हो तो इसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब ये जम जाएगा, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अनस्टेबल होता है और यह स्टेबल है, इसलिए इसका बाहरी इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई प्रभाव नहीं दिखता है या उसके साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर की बात यदि हम लोग करें तो लायोफिलिक सोल्स होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने का मतलब कि यदि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को तुम किसी कारण से या किसी तरह से अलग कर लेते हो तो फिर दोनों को मिलाना भी काफी आसान हो जाता है। जैसे हुआ ना कि दो दोस्त के बीच लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ लेकिन तुरंत फिर पैचअप भी हो गया, रिवर्सिबल नेचर का, पहले अलग हुए फिर तुरंत आपस में मिल भी गए। लेकिन एक होता है कि नहीं, एक बार मनमुटाव हो गया तो वर्षों हो गए या कभी उनसे बात ही नहीं हुई या बहुत समय के बाद फिर जो है पैचअप हुआ, तो उसको इरिवर्सिबल नेचर का बोलेंगे कि पहले से साथ थे लेकिन एक बार अलग हो गए तो दोबारा साथ नहीं आ पाए। और एक इसमें था कि पहले से साथ थे, अलग हुए फिर साथ आ गए। उसी प्रकार से यहाँ है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को यदि सेपरेट करोगे तो दोनों तुरंत आपस में फिर से कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच अच्छा इंटरैक्शन होता है। जबकि लायोफोबिक में ऐसा नहीं है, ये तो कोई तरह से मेहनत से एक बार इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर तुम अलग कर दोगे तो दोबारा उनका इंटरैक्शन काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए लायोफोबिक सोल इरिवर्सिबल, मतलब एक बार डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर दिए तो दोबारा उनको साथ लाने में बड़ा दिक्कत है। सरफेस टेंशन की बात करें तो लायोफिलिक सोल का जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन यह कम होता है किसके तुलना में, डिस्पर्सन मीडियम की तुलना में। जैसे मान लो कोई लायोफिलिक सोल बना है कोई डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को वाटर में मिला करके, तो वाटर हुआ डिस्पर्सन मीडियम, तो वाटर मिलाने के बाद जो एक कोलोइडल सिस्टम बनेगा इसका सरफेस टेंशन वाटर के तुलना में कम होगा। अभी सरफेस टेंशन वगैरह क्या है इन सारी बातों का जिक्र करना पॉसिबल नहीं है, अभी ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में पढ़े हो। जबकि इसमें क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन वह डिस्पर्सन मीडियम के सरफेस टेंशन के लगभग बराबर होता है, एक जैसा, क्योंकि उसमें डिस्पर्सन मीडियम के साथ पार्टिकल का कोई इंटरैक्शन ही नहीं है। इसीलिए विस्कोसिटी की बात करें यदि, तो जो विस्कोसिटी होता है, गाढ़ापन समझ सकते हैं उसको, वह लायोफिलिक सोल का काफ़ी ज़्यादा होता है डिस्पर्सन मीडियम, माने डिस्पर्सन मीडियम की तुलना में लायोफिलिक सोल ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा इसका। जबकि इसका जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है, लगभग बराबर होता है डिस्पर्सन मीडियम का। इसमें गाढ़ा विस्कोसिटी बढ़ने का कारण क्या हुआ, तो वही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स का आपस में मिलना, अच्छा इंटरैक्शन हुआ, इसीलिए जो है विस्कोसिटी इसका क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। उसके बाद हाइड्रेशन वगैरह की बात करें तो लायोफिलिक सोल आसानी से हाइड्रेट कर जाते हैं, हाइड्रेट मतलब वाटर के साथ आसानी से कंबाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सोल के जो पार्टिकल्स हैं वे डिस्पर्सन मीडियम के साथ अच्छा इंटरैक्शन रखते हैं, जबकि इनका हाइड्रेशन जल्दी पॉसिबल नहीं है। मतलब यदि कोई लायोफिलिक सोल है ना तो वह इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है,
मॉइस्चर वाटर जो हुआ उसके साथ अच्छा इंटरैक्शन कर सकता है, जबकि इस प्रकार के सोल में ऐसा कोई बात नहीं होता है। और एक लास्ट की लायोफिलिक सोल के पार्टिकल जनरली चार्ज पोजेज नहीं करते हैं, नॉट चार्जेबल, जबकि लायोफोबिक सोल के पार्टिकल एक सर्टेन चार्ज पोजेज करते हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के आधार पर हम लोग पॉजिटिव सोल या नेगेटिव सोल बोलते हैं। अभी कैसे चार्ज वगैरह आता है ये सब चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स को ऐसे ही डिफरेंस के आधार पर याद रखोगे, 8-10 पॉइंट हैं, एग्जामिनेशन में जनरली डिफरेंस ही आता है, नहीं भी आएगा तो हम क्या बोले हैं कि डिफरेंस का ही कुछ पॉइंट को मिला करके डेफिनेशन बन जाना है। इसलिए इस चैप्टर को याद रखने का बेस्ट तरीका है कि जितने भी डिफरेंस है सब डिफरेंस को याद कर लो, उसे मैक्सिमम टॉपिक जो है ना वैसे क्या होते हैं कवरअप कर जाते हैं। तो ये दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन था, पहला था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर, और ये जो क्लासिफिकेशन पढ़े लायोफिलिक और लायोफोबिक वाला, ये हम लोग किस आधार पे पढ़े, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरैक्शन के आधार पे। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उसके नेचर के आधार पे, पार्टिकल्स के नेचर के आधार पे। तो इस आधार पे कोलोइडल सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स और तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलोइड्स। ये तीनों को भी डिफरेंस के आधार पे ही हम लोग समझेंगे। तो ये जो तीन कोलोइडल सिस्टम हुए, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड, ये तीन क्लासिफिकेशन किस आधार पे है, तो यह क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम। मल्टी मॉलिक्यूलर, देखो मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, मल्टी मतलब होता है दो या उससे अधिक, मॉलिक्यूलर माने दो या अधिक मॉलिक्यूल। तो बोल रहा है कि इस प्रकार का कोलोइड वैसे पार्टिकल से मिलके बनता है जिसका साइज एक नैनोमीटर से कम हो। याद रखोगे कि कोलोइडल सिस्टम में जो पार्टिकल का साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो बोल रहे हैं कि मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है कि ऐसे कोलोइडल सिस्टम उस प्रकार के पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है। जैसे मान लें कि 1 नैनोमीटर साइज वाला पार्टिकल इतना बड़ा है, तो 1 नैनोमीटर से कम मतलब इस प्रकार का हुआ, देखो इसके तुलना में यह छोटा दिख रहा है। तो चूंकि यह पार्टिकल डायरेक्ट कोलाइडल सिस्टम नहीं बना सकता है, क्योंकि कोलाइडल सिस्टम बनाने के लिए इस पार्टिकल का साइज इतना के बराबर होना चाहिए, जबकि ओरिजिनली इसका साइज इतना ही है, तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे कई पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे ऐसा, और मिलने के बाद देखो इतना बड़ा हो गया, तो ये बन जाएगा कोलाइडल सिस्टम। तो उस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम जो वैसे पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसीलिए वे सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके फिर वैसे पार्टिकल का निर्माण करते हैं जिसका साइज कोलोइडल रेंज में होता है। कोलोइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। शुरू में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे कई छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो एक बड़ा पार्टिकल मिलेगा और उस पार्टिकल का साइज फिर इस रेंज में लाई करेगा। तो वैसे कोलोइडल सिस्टम को बोलेंगे मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम, इसलिए बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिल गए, और मिलने के बाद जो पार्टिकल बना वह कोलोइडल रेंज का बना, मतलब इस पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ गया। तो ऐसे कोलोइडल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। एग्जाम्पल में जैसे है गोल्ड सोल, सोना का सोल बनता है, सल्फर सोल, तो ये सभी जो है एग्जाम्पल है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स के। अब आ जाओ मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा,
तो इसमें क्या होगा ना कि पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अब चूंकि कोलोइडल पार्टिकल होने के लिए साइज इस रेंज में होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में जो साइज है वह 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, मतलब मान लो कि अभी इतना बड़ा पार्टिकल है, जबकि हम लोग को चाहिए कोलाइडल के लिए इतना ही बड़ा, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, ये कोलाइडल का निर्माण नहीं कर सकता है, फिर ये सस्पेंशन हो जाएगा। तो होगा क्या कि यह जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है यह टूट जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा अलग अलग पार्टिकल में, और फिर जो डिसोसिएटेड पार्टिकल्स होंगे इनका साइज इस कोलाइडल रेंज में लाई करेगा। इसका जस्ट उल्टा नहीं है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बनाया जो इस रेंज में आया, इसमें एक बड़ा पार्टिकल टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदला जिसका साइज भी इसी रेंज में आया। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वे आपस में कंबाइन करके कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूलर में पार्टिकल का साइज शुरू में 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए यह पार्टिकल डिसोसिएट करके फिर कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आसान है। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी नेचुरली अक्रिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, नेचुरली अक्रिंग जैसे सेलुलोज वगैरह होता है या स्टार्च वगैरह है, जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो वे सभी जो है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का एग्जाम्पल है। अब तीसरा कैटेगरी इसका आता है एसोसिएटेड कोलॉइड का। तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है एसोसिएटेड कोलॉइड, तो उसी को थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है। एसोसिएटेड कोलॉइड को हम लोग डिटेल में देखेंगे। एसोसिएटेड कोलाइड्स, इसमें क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, यदि इस पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम में मिलाओगे, डिस्पर्सन मीडियम में इसको मिलाओगे, तो मिलाने के बाद ये दो चीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स का और दूसरा कोलाइड्स का। तो जो पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में मिला रहे हो, यदि इसका कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन, तो वह काम करेगा नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हम लोग पढ़े हैं जो प्लस माइनस आयन में डिसोसिएट करें। लेकिन यदि उस पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाई कंसंट्रेशन, तब वो फॉर्मेशन करेगा कोलाइड का। तो एसोसिएटेड कोलाइड मतलब उस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम जिसमें यदि पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम हो डिस्पर्सन मीडियम में, तो वह नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करता है, लेकिन यदि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, तो वह काम करेगा कोलाइड्स का। डिस्पर्सन मीडियम मान लो फिक्स है 100 ml, ठीक। अब इस 100 ml में यदि तुम मिलाते हो 5 ml इस पार्टिकल का, और दूसरे केस में मिलाते हो उसका 60 ml, तो ऑब्वियसली 60 ml पर 100 ml में है, और यहाँ 5 ml पर 100 ml में है, या 5 ml या 5 mole मान लो, ऐसा मोल के टर्म में भी देख सकते हो। तो यहाँ 5 mole पर 100 ml हुआ, यहाँ 60 mole पर 100 ml हुआ, तो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो इस केस में यह काम करेगा कोलाइड का, यदि कम रहा तो इलेक्ट्रोलाइट का। अब बात है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाने से कोलाइड का काम क्यों कर रहा है, तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आ जाने से इनका एसोसिएशन हो जाता है, मतलब ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के चलते जो है फिर वे कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वे बिहेव करते हैं किसके जैसा, कोलाइडल सिस्टम के जैसा, मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा उस केस में बिहेव करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे साबुन को जब हम लोग पानी के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसका लेदर जो निकलता है झाग, वह एक एसोसिएटेड कोलाइड है, C17H35COO-Na+, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, जो कि साबुन का हिस्सा है।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप। इसको जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर में डिजॉल्व करने से C17H35COO- एक्वस और दूसरा Na+ एक्वस, ये अलग अलग आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। तो यदि इसका कम अमाउंट है, मन मान लो कि इसका दो चार मॉलिक्यूल है, तब ऐसे ही आयन में टूट करके इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। लेकिन यदि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, अवोगैड्रो नंबर के बराबर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे टूटेंगे तो उतना सारा ये एनायन बनेगा, स्टीयरेट आयन, और उतना सारा सोडियम आयन बनेगा। तो अब जो ये स्टीयरेट आयन बना है ना, तो इसमें देखोगे दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो C17H35 और COO-। ई वाला है आयनिक पार्ट और ई हुआ नन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। नन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब ये नन पोलर है हाइड्रोकार्बन वाला, जो हाइड्रोजन कार्बन से है, और ये आयनिक है। आयनिक मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि इधर हम लोग कंसंट्रेशन इसका बढ़ा दिए हैं, तो फिर इधर ही आयन का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब ऐसे ऐसे बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट रहेंगे उस कोलोइडल सिस्टम में, तो क्या होगा कि ये सभी आयन्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे। देखो इस 17 कार्बन 35 हाइड्रोजन है ना, तो इस 17 कार्बन को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और यहाँ हो जाएगा COO-। ऐसा उसी C17H35COO- को जो है दिखलाने के लिए ऐसा हम लोग बॉन्डलाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी बॉन्डलाइन रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो इतना वाला हुआ ही नन पोलर पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल, पूंछ, और ई वाला हुआ पोलर पार्ट जो कहलाएगा हेड। ऐसा तो क्या होता है कि जब बहुत सारे नन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट सोप के प्रेजेंट हो जाते हैं उस सिस्टम में, तो वे सभी मिलकर के आपस में ऐसा जुड़ जाते हैं, ऐसा COO-। ऐसा ही बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखोगे कि जब ऐसे जो लाइन खींचा हुआ है ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा। इस सब में इधर रहेगा COO-, किनारे में COO-, सब में ऐसे नेगेटिव पार्ट बाहर की तरफ, ऐसा। तो ई वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोकार्बन वाला नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है, और ये जो पोलर पार्ट होता है आयनिक वाला, वो बाहर की तरफ होता है, और यही पोलर पार्ट फिर डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो ये जो एग्रीगेशन हुआ बहुत सारे मॉलिक्यूल का, इसी एग्रीगेशन या एग्रीगेटेड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मिसेल। याद रखोगे मिसेल क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल क्या हुआ कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है तो उस केस में जो आयन्स होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, और कोलाइडल साइज के पार्टिकल का निर्माण करते हैं। और वही जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं, ये जो बहुत सारे स्टीयरेट आयन आपस में ऐसे जुड़ गए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मिसेल। ये तो झाग जो बनता है लैदर, वो यही होता है मिसेल, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो बताए कि ये जो पार्ट है ये पोलर पार्ट है, जो वाटर से या डिस्पर्शन मीडियम से कंबाइन करेगा, इसलिए इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसका हाइड्रेशन हो, जो वाटर से कंबाइन कर जाए, और ये जो पार्ट है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ रहता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ, और यही हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करता है, इंटरैक्ट करता है डिस्पर्शन मीडियम मतलब वाटर के साथ। तब जब हम लोग साबुन वगैरह से कपड़ा साफ करते हैं तो उस दरमियान क्या होता है कि ई वाला जो पोर्शन है साबुन का, ई पानी से कंबाइन करता है, और ई वाला जो पोर्शन है ये गंदगी से कंबाइन करता है, और फिर दोनों वहाँ से कंबाइन करके बाहर निकल जाते हैं, और कपड़ा से या शरीर से गंदगी जो है सुपर क्या होता है, हट जाता है।
अब वो बात है कि यह जो मिसेल का फॉर्मेशन है ये तभी होगा जब पार्टिकल एग्रीगेट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, और ये पार्टिकल का एग्रीगेशन या एसोसिएशन तभी पॉसिबल है जब इसका एक डेफिनेट कंसंट्रेशन हो। हम क्या बोले कि जब उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा तब वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा रहेगा तब वो काम करेगा एसोसिएटेड कोलाइड का, और तभी फॉर्मेशन होगा मिसेल का। तो ये जो एक डेफिनेट कंसंट्रेशन है मिसेल फॉर्मेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। मतलब मान ले कि कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है, कि जब 1 लीटर वाटर में 5 मोल सोडियम ऑस्टोरेट डिजॉल्व रहेगा तभी मिसेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस 5 मोल पर लीटर को ही हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। और इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होता है कि उसी टेम्परेचर पर मिसेल का फॉर्मेशन होगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। यस, क्राफ्ट को हम लोग यहाँ CRAFT लिखते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो इस एसोसिएटेड को अच्छे से समझना था कि जब कंसंट्रेशन कम होगा डिस्पर्स फेज का तो वह इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, मतलब केटायन एनायन में टूटा हुआ रहेगा, लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, ज़्यादा मात्रा लोगे, तो फिर टूट करके जो आयंस बनेंगे, तो ये जो आयंस बनते हैं वे आयंस आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं और कोलाइडल पार्टिकल का निर्माण करते हैं। तो ये जो बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, तो वैसा एग्रीगेशन या एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं मिसेल। और यह मिसेल फॉर्मेशन के लिए एक डेफिनेट कंसंट्रेशन होना चाहिए, और उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, मतलब मिसेल फॉर्मेशन का जो एक डेफिनेट टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर को बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। इस साबुन वाला एग्जांपल देकर के बताए हम सोडियम ऑस्टियरेट वाला, कि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर होता है जो वाटर में नहीं घुलता है, आयनिक पार्ट पोलर है जो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो जब साबुन से कपड़ा हम लोग साफ करते हैं तो उस दरमियान क्या होता है कि आयनिक पार्ट वाटर से कंबाइन करते हैं। वाटर माने कपड़ा को भिगाओगे तभी ना साबुन लगाओगे, सूखे कपड़े में साबुन रगड़ने से कभी साफ होगा क्या? नहीं। तो वाटर का होना जरूरी है क्योंकि वाटर के साथ ही आयनिक पार्ट कंबाइन करता है, और जो कपड़ा में गंदगी लगा हुआ है वो गंदगी के साथ ही नॉन पोलर पार्ट कंबाइन करता है, और फिर जब उसको रगड़ते हैं तो नॉन पोलर वाला गंदगी को वहाँ से हटा देता है और इसके साथ मिल करके बाहर, इसलिए जब उससे फेन निकलता है झाग तो देखोगे उसमें गंदगी साफ नजर आता है। तो यही है एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसी को हम लोग अभी यहाँ देखें। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी, जैसे डेफिनेशन ही आ जाए मिसेल क्या है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, तो इसको ध्यान से देखोगे, अच्छे से हम बताएं, बस नोट्स को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तब और भी अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इस चैप्टर का बचा हुआ है उसको हम लोग आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।